जय हिंद। स्वागत सभी का, आप सभी वीडियो देखने और सुनने समझने वाले लोगों का। आज का वीडियो दिल्ली की अंबेडकर विश्वविद्यालय का, जो कि एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, उसको लेकर आई है थोड़ी सी सूचना एंट्रेंस एग्जामिनेशन के एग्ज़ाम के पैटर्न को लेकर, नंबर ऑफ क्वेश्चंस को लेकर, एग्ज़ाम टाइमिंग को लेकर और एग्ज़ाम एरिया के पूछे गए क्वेश्चंस को लेकर। ये छोटे छोटे अपडेट आए हैं, उसको आप सुन लीजिए, समझ लीजिए। एडमिट कार्ड जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, 9 अगस्त की डेट है और लगभग 4 बजे का समय है। इस समय और तारीख तक एडमिट कार्ड नहीं आया है वेबसाइट पर, इस बात का ध्यान रखिएगा। इस वीडियो के अपलोड करने के बाद शाम 6 बजे 7 बजे जब भी आएगा आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक। ये तो आपको सूचना दे दी गई। लास्ट वीडियो को आपने देखा भी होगा कि एग्ज़ाम का शेड्यूल आ चुका है। मैं आपको बता चुका हूँ पूरे एग्ज़ाम का शेड्यूल, कौन सी डेट में कौन सा एग्ज़ाम होगा। वेन्यू आपको दिल्ली दे ही दिया गया है, दिल्ली के बच्चों के लिए, या फिर जिन्होंने 4 जुलाई तक अप्लाई कर दिया था, अपना रिप्लाई मेल भेज दिया था। अब आई है एंट्रेंस एग्ज़ाम के पैटर्न को लेकर सूचना, क्योंकि सवाल आ रहे थे कमेंट बॉक्स में कि एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एग्ज़ाम MCQ होगा या डिस्क्रिप्टिव होगा, एग्ज़ाम कंप्यूटर पे होगा CBT मोड पे, या फिर OMR शीट के माध्यम से एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम कहीं रिटर्न तो नहीं होगा ओपन बुक एग्ज़ाम की तरह, या फिर कुछ सवाल आपको पूछ दिए जाएंगे, गूगल मीट पर सवाल भेज दिए जाएंगे, आपको अपने घर से बैठकर जवाब लिखकर भेज देना है कि ऐसा था। ये सारी बातों के लिए जवाब आपको अब मिल जाएंगे। इस छोटे से वीडियो में सभी का जवाब आ चुका है और लीगली तरीके से जवाब आया, आपके पास भी ईमेल आया होगा, अपना अपना ईमेल चेक कर लीजिएगा जिसने भी अप्लाई किया है, ठीक। मेरे पास तो ईमेल नहीं आया है, किसी ने मुझे ईमेल फॉरवर्ड किया है। सूचना ये कहती है, पहली चीज, पेपर 2 पार्ट में रहेगा। पेपर क्योंकि 2.5 घंटे का है, ठीक है, पेपर 2.5 घंटे का है, पहला पार्ट रहेगा 1 घंटे का, दूसरा हिस्सा रहेगा 30, यानी कि 1 घंटा 30 मिनट का, यानी कि 90 मिनट का, ठीक। पहला पेपर 60 मिनट का, दूसरा पेपर 90 मिनट का, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन दोनों पेपरों में नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी अलग होंगे और क्वेश्चंस का पैटर्न भी अलग होगा और जवाब भी आपको अलग अलग तरीके से लिखने होंगे, या फिर टाइप करने होंगे, या फिर टिक करने होंगे, वह मैं आपको आगे बता दूंगा, ठीक है। सबसे पहली चीज, पेपर नंबर 1 में आपके सब्जेक्ट से संबंधित सवाल जवाब पूछे जाएंगे। पेपर नंबर 1 में MCQ टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसकी, ठीक है, संख्या रहेगी 40। संख्या तो नहीं दी है, नंबर ऑफ मार्क्स दिए हैं 40, यानी कि 40 नंबर के सवाल जवाब होंगे, या फिर हो सकता है 1 नंबर का एक क्वेश्चन हुआ तो 40 क्वेश्चन होगा, ये 2 नंबर का क्वेश्चन हुआ तो 20 क्वेश्चन होगा, यानी कि पहला पेपर जो 60 मिनट का होगा उसमें 40 नंबरों के आपसे सवाल पूछे जाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। और पहला पेपर में क्लियर कट मेंशन कर दिया गया है कि रिलेटेड टू प्रोग्राम अप्लाइड, जिस सब्जेक्ट से आपने अप्लाई किया है उस सब्जेक्ट से संबंधित आपसे 40 नंबरों के सवाल जवाब किए जाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपने किसी भी फील्ड से, किसी भी डिसिप्लिन से चाहे अप्लाई किया हो PhD के लिए, ठीक। दूसरी चीज, पेपर दूसरा 90 मिनट का है लेकिन 30 नंबर का होगा। अभी थोड़ा और कंफ्यूज करते हैं, थोड़ा भयभीत करते हैं आपको, क्योंकि किसी ने कहा था साहित्य में कि भयभीन हो इतना प्रीत गुसाई, यानी कि बिना डर के तो प्रेम भी नहीं होता है, और डर कहीं ना कहीं हमको आगाह भी करता है कि हम गलती से भी गलती ना करें आने वाले समय में। तो 90 मिनट आपको मिलेंगे, 30 नंबर मिलेंगे, और इसमें जो फील्ड ऑफ क्वेश्चन है वो थोड़े ज़्यादा हैं, ठीक। इसमें डिस्क्रिप्टिव सवाल भी पूछे जाएंगे आपसे, रिसर्च मेथोलॉजी भी पूछा जाएगा आपसे, ऐसे बेस क्वेश्चन भी होंगे, रीडिंग कंप्रेंशन भी होगी, और कंप्रेंशन के साथ साथ मेथोलॉजी के सवाल भी पूछे जाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब एक चीज और, कि ये सारे सवाल पेपर 1 में होते थे, पेपर 2 में क्यों पूछे जा रहे हैं, अब ये तो यूनिवर्सिटी तय करेगी। रिलेटेड टू अप्लाई प्रोग्राम अप्लाई, ठीक। अब देखिए इसमें क्या करा है, 40 नंबर के क्वेश्चन तो आपसे उसने सब्जेक्ट के कर लिए MCQ माध्यम से, लेकिन अब ये 30 नंबर के सवाल कर रहा है। ये ज़रूरी नहीं है कि इसके जवाब आपको MCQ में मिले, हो सकता है कुछ जवाब आपको टाइप करने पड़े, या फिर हो सकता है कुछ जवाब आपको एक कंप्रेशन दे देंगे, सवाल दे देंगे, 4 ऑप्शन दे देंगे, किसी एक को टिक करना, या फिर हो सकता है कुछ टाइप भी करना पड़े। वैसे टाइप करने का मौका तो नहीं मिलता है 1.5 घंटे के पेपर में, आपको टिक ही करना होगा, ठीक है। लेकिन पेपर 2 को थोड़ा ध्यान से दीजिएगा, 30 नंबर वाला। अगर आपको 90 मिनट मिल रहे हैं किसी पार्ट को करने के लिए, ध्यान से समझिए,
90 मिनट मिल रहे हैं किसी पार्ट को करने के लिए और 30 नंबर का पेपर है, यानी कि एक नंबर लेने के लिए आपको 3 मिनट वेस्ट करने होंगे अपने। 3 मिनट पर एक नंबर मिल सकता है आपको, इसीलिए 30 नंबर हैं और 90 मिनट थोड़ा सीरियसली लीजिएगा। अगर इस पोर्शन में आप 15 से 20 नंबर भी लेकर आ जाते हैं, पेपर सेकंड में 15 से 20 नंबर भी लेकर आ जाते हैं आप, और पहले पेपर में आप 20 से 25 नंबर भी लेकर आ जाते हैं, मान लीजिए पहले में आपके 25 आ जाते हैं और दूसरे में आपके यदि 20 नंबर तक आ जाते हैं, ठीक 25-20 हो जाते हैं, 45 आप एंट्रेंस क्वालिफाई कर जाएंगे, इंटरव्यू के लिए आपको बुला लिया जाएगा। ठीक, इस बात का ध्यान रखिएगा। पेपर CBT मोड पर ही होगा, कंप्यूटर पर एग्जाम होगा। और सेंटर कहाँ पड़ा है आपका, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है या दिल्ली में कोई और जगह है, उसकी सूचना आपको एडमिट कार्ड से मिलेगी। तो ये थे आपकी क्वायरी और आपके सवालों के जवाब जो मैंने देने का प्रयास किया। और अपनी अपनी ईमेल आईडी को सभी लोग चेक कर लीजिएगा जिसने भी अप्लाई किया है दिल्ली के अम्बेडकर विश्वविद्यालय में इन पाठ्यक्रमों के लिए, जिनके एग्जाम होने वाले हैं। कब होने वाले हैं डेट आपको मालूम है ना, 16-17-18 अगस्त 2021 को। इस वीडियो में इतना ही, अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिएगा, सवाल दे दीजिएगा, कोई आपत्ति हो तो वो दर्ज कर दीजिएगा। और लखनऊ विश्वविद्यालय के जो अपडेट आए हैं ना एंट्रेंस एग्जामिनेशन को लेकर, एडमिट कार्ड को लेकर और सेंटर चेंज को लेकर, उसको जाकर वेबसाइट पे विजिट कर लीजिएगा। नहीं मिले तो कमेंट करके बताइएगा, आपको लिंक भी दे दिया जाएगा और वीडियो भी दे दिया जाएगा, क्योंकि आलसी हो गए हैं आप लोग। ठीक, जय हिंद।